नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 24 जनवरी। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस को लेकर गांधी मैदान में 13 टुकड़ियों ने की परेड की रिहर्सल। 25 साल बाद बुनकर कर्मियों को मिला 8 साल का बकाया वेतन। पीएम मोदी ने की बिहार की तारीफ। बिहार में मिले कोविड-19 के 3000 से कम मामले। बिहार के ग्राम कचहरियों और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आवंटित हुई राशि। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गणतंत्र दिवस को लेकर गांधी मैदान में 13 टुकड़ियों ने की परेड की रिहर्सल। गणतंत्र दिवस आने में अब बस कुछ ही दिन का समय रह गया है। ऐसे में अब बिहार में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियों को भी तेज कर दिया गया है, जिसके तहत ही बीते दिन पटना के गांधी मैदान में 13 टुकड़ियों ने अपनी परेड के रिहर्सल की शुरुआत कर दी, जिसमें सशस्त्र बल पुलिस पुरुष और जिला सशस्त्र बल महिला, सीआरपीएफ एसएसबी, आईटीबीपी बीएमपी पुरुष, बीएमपी महिला, होमगार्ड ग्रामीण, श्वान दस्ता, फायर ब्रिगेड और कारापाल यूपी पुलिस के जवान परेड रिहर्सल करते नजर आ रहे हैं। हालांकि कोरोना को ध्यान में रखते हुए चेहरे पर मास्क लगाए और कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए पटना के ऐतिहासिक मैदान गांधी मैदान में परेड रिहर्सल का कार्यक्रम जारी रखा। इसके साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान प्रस्तुत होने वाली 8 झांकियों का निर्माण भी बड़ी तेजी से किया जा रहा है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर की। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जन्म आज ही के दिन यानी कि 24 जनवरी 1924 को हुआ था। कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिज्ञ और बिहार राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक कहा जाता था। कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान समस्तीपुर के एक गांव पितौंझिया में हुआ था, जिसे अब कर्पूरी ग्राम कहा जाता है। वहां पर नाई जाति में हुआ था। जननायक जी के पिताजी का नाम श्री गोकुल ठाकुर और माता जी का नाम श्रीमती रामदुलारी देवी था। इनके पिता गांव के सीमांत किसान थे और अपने पारंपरिक पेशा नाई का काम करते थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने कई महीने जेल में बिताए थे। वो 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक, 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर भी रहे थे। बिहार के ग्राम कचहरियों और पंचायत प्रतिनिधियों के लिए आवंटित हुई राशि। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से बीते दिन साझा की गई जानकारी के अनुसार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के जनप्रतिनिधियों के बकाया भत्ता भुगतान के लिए 72 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। इस पहल से जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख, सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, उप मुखिया, सदस्य और ग्राम कचहरी के सरपंच, उप सरपंच और पंच के नियत यानी कि मासिक भत्ता भुगतान में सहूलियत होगी, जिसके बाद ही अब इस राशि से 15 दिसंबर 2021 के बकाया मासिक भत्ते को शीघ्र देने का निर्देश दिया गया है। इसमें से 1,37,60,000 रुपए से जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, 6,94,40,000 रुपए से पंचायत समिति के प्रमुख और उप प्रमुख और सदस्य, 32 करोड़ रुपए मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्यों के भत्ता भुगतान किए जाएंगे। उत्तर रेलवे ने सीनियर रेजिडेंट पद के लिए निकाली रिक्तियां। उत्तर रेलवे ने सीनियर रेजिडेंट पद के लिए कुल मिलाकर 29 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें एनेस्थीसिया, ईएनटी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्स एंड गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपीडियाक्स, ऑनकोलॉजी, डेंटल, कैजुअलिटी, पैथोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजी तय की गई है। इसके साथ ही अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास एमबीबीएस और संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या डिप्लोमा की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार साक्षात्कार तारीख 3 और 4 फरवरी 2022 को शामिल हो सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट nr.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL पे भी जाकर विजिट कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियम में हुआ बदलाव। बिहार में अगर आप भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले हैं तो आपको हमारी ये खबर जान लेनी चाहिए, क्योंकि बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नियमों में बदलाव कर दिया गया है, जिसके तहत ही अब जिस जिले में लर्निंग लाइसेंस बनाया गया है वहीं से स्थायी लाइसेंस भी बनेगा। दूसरे जिले में स्थायी लाइसेंस बनाने का ऑप्शन खत्म कर दिया गया है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी जिलों के जिला परिवहन अधिकारी को पत्र लिखकर सॉफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अब तक आवेदक लर्निंग लाइसेंस के बाद कहीं से भी स्थायी लाइसेंस बनाने का ऑप्शन था। इसके कारण जिन जिन जिलों में ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य है वहां पर यह व्यवस्था देखने को मिलेगी। 25 साल बाद बुनकर कर्मियों को मिला 8 साल का बकाया वेतन। बिहार के सभी बुनकर कर्मियों को अपने बकाए वेतन का इंतजार था, जो कि बीते दिन जाकर खत्म हुआ। आपको बता दें, बिहार राज्य स्पन सिल्क मिल के कर्मचारियों को करीब 25 साल से यानी कि 1997 से वेतन नहीं मिला था। इसकी वो लंबी समय से मांग कर रहे थे। इसके भुगतान की शुरुआत बीते साल अगस्त में ही की गई थी, जिसके बाद ही बीते दिन 25 साल बाद बुनकर कर्मियों को 8 साल का बकाया वेतन दे दिया गया है, जिसको कि बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया, जिसको कि भागलपुर के रेशम भवन में उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने 1997 से 98 से 2004 से 5 के बकाया वेतन का भुगतान कर्मियों को किया है। वेतन मिलने के साथ ही कर्मियों में खुशी की लहर देखने को मिली।
दौरान बुनकर कर्मियों को 15,60,00,000 बकाया वेतन का भुगतान सईद शाहनवाज हुसैन के द्वारा किया गया। ठंड से नहीं मिलेगी कोई राहत। बिहार में ठंड से राहत मिलने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। बीते दिन ही बिहार में जारी शीतलहरी के बीच बारिश देखने को मिली, जिसके बाद बिहार के कई जिलों में बारिश देखने को मिली, जिसके बाद ही ठंड का प्रभाव बढ़ गया है। हालांकि अभी बिहार वासियों को ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने आज के लिए अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के मुताबिक बिहार के उत्तर पश्चिम, पश्चिम पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज और उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी यानी कि सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार जिले में बिजली चमकने और बादलों के गरजने की संभावना है। बिहार में मिले कोविड-19 के 3,000 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2,768 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 17,848 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 31, अरवल में 26, औरंगाबाद में 31, बांका में 93, बेगूसराय में 252, भागलपुर में 102, भोजपुर में 39, बक्सर में 33, दरभंगा में 52, ईस्ट चंपारण में 98, गया में 29, गोपालगंज में 51, जमुई में 32, जहानाबाद में 4, कैमूर में 14, कटिहार में 41, खगड़िया में 16, किशनगंज में 11, लखीसराय में 35, मधेपुरा में 118, मधुबनी में 64, मुंगेर में 92, मुजफ्फरपुर में 125, नालंदा में 34, नवादा में 20, पटना में 424, पूर्णिया में 92, रोहतास में 64, सहरसा में 121, समस्तीपुर में 193, सारण में 113, शेखपुरा में 12, शिवहर में 42, सीतामढ़ी में 34, सिवान में 42, सुपौल में 37, वैशाली में 40, वेस्ट चंपारण में 86 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 25 ऐसे मामलों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके सैंपल दूसरे राज्यों में कलेक्ट किए गए थे। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 152,135 सैंपल की जांच की गई। वहीं इस दौरान 4,496 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। मदरसा बोर्ड ने लॉन्च किया अपना नया सर्वर। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड ने बीते दिन अपना नया वेबसाइट लॉन्च किया है, जिसको कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जारी किया है, जिसके तहत ही अब नया वेबसाइट www.bsmeb.org है। वहीं इसके साथ ही बोर्ड का अपना सर्वर भी बनाया गया है। शिक्षा मंत्री की माने तो यह व्यापक और सूचनात्मक है, क्योंकि वेबसाइट पर बोर्ड संबंधित सारी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ नए वेबसाइट पर कुल मदरसों की सूची, सभी प्रधान मौलवी के नाम, मोबाइल नंबर, वास्तानिया, फोकानिया और मौलवी वर्ग के मदरसों की सूची, नए संबंध मदरसों की सूची, नए अपग्रेड मदरसों की सूची, कक्षा 1 से 12वीं तक के SCERT और NCERT और दीनी किताबों, कोरोना टीका जागरूकता अभियान कार्यक्रम, शराबबंदी अभियान की जानकारी के अलावा छात्रों के लिए स्टूडेंट कॉर्नर बनाया गया है। BPSSC ने जारी की रेजिडेंट कैंडिडेट्स की लिस्ट। BPSSC ने जारी की रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग ने बीते दिन एक से अधिक फॉर्म जमा करने वाले आवेदकों को आवेदन फॉर्म को खारिज कर दिया है, जिसके तहत आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट bpssc.bih.nic.in पर नोटिस जारी कर उन उम्मीदवारों के रोल नंबर बताए हैं जिनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई है। आयोग ने 600 से अधिक उम्मीदवारों के आवेदन खारिज कर दिए हैं। जारी नोटिस में कहा गया है कि परीक्षा के बाद आवेदन पत्रों की जांच करने पर यह पाया गया कि कई उम्मीदवारों ने एक से अधिक आवेदन पत्र भरे हैं जो विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे सभी उम्मीदवारों के आवेदन 682 हैं, जिन्हें आयोग ने खारिज कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बीपीएसएससी ने 26 दिसंबर को बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट के पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। पीएम मोदी ने की बिहार की तारीफ। बिहार में सीएम नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना को सफल बनाने को लेकर बिहार भर में काम हो रहा है। हालांकि अब तक इस योजना को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। किसी ने तो इस योजना को सफल बताया, वहीं किसी ने इसको फिसड्डी बताया है। इन सब के बीच अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार सरकार के नल जल योजना की खूब तारीफ की है, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि बिहार में जहां 30% पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध था, आज वहां पर 90% तक नल से शुद्ध पानी पहुंच रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में आकांक्षी जिला नवादा ने एक बार फिर बेहतरी का परचम लहराया है। नीति आयोग ने जिले के जल संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेतीबाड़ी से जुड़े विकास कार्यों को सराहा है। लहर को बिहार में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कम खतरनाक। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। तीसरी लहर में मामलों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। इन सब के बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अपनी बात कही है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन अपना बयान जारी करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में मरीज उतने गंभीर नहीं हो रहे जितने की पहली और दूसरी लहर में हो रहे थे। इस कारण अभी तक वेंटिलेटर की जरूरत काफी कम पड़ी है। इसके बावजूद हर स्थिति से निपटने के लिए अस्पतालों में वेंटिलेटर तैयार है। पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल और जिला अस्पतालों में चालू हालत में रखे गए हैं। हालांकि वेंटिलेटरों को क्रियाशील रखने के निर्देश दिए गए हैं। वेंटिलेटर संचालन के लिए आवश्यक सामग्री की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने को कहा गया है।
छूटे हुए किशोरों को घर से बुलाकर दिया जाएगा टीका। बिहार में इन दिनों किशोरों को टीकाकरण करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजधानी पटना में 15 साल से अधिक और 18 साल से कम आयु वर्ग के छूटे हुए किशोरों को घर से बुलाकर टीकाकरण किया जाएगा। पटना जिले में 4,93,000 किशोरों को 26 जनवरी तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज देने का लक्ष्य है। 3 जनवरी से अब तक सिर्फ 35% का ही टीकाकरण हो सका है, जिसको देखते हुए ही अब स्कूलों की मदद से किशोरों को चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने अब तक वैक्सीनेशन नहीं ली है। ऐसे बच्चों को स्कूल में बुलाकर वैक्सीन दिलवाने की तैयारी में स्वास्थ्य विभाग अभी से ही लग गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी की आईटीआई परीक्षा की आंसर की। बीएसईबी यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से आईटीआई परीक्षा के लिए उत्तर कुंजी यानी कि आंसर की जारी कर दी गई है। बीएसईबी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि 12 जनवरी 2022 को आयोजित औद्योगिक प्रशिक्षण उच्च माध्यमिक स्तरीय भाषा परीक्षा में उपयोग में लाए गए प्रश्न पत्र बुकलेट की आंसर की समिति द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। सभी छात्र जो बीएसईबी आईटीआई परीक्षा में उपस्थित है वो आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.com पर जाकर देख सकते हैं। सहयोग राशि संग्रह अभियान को लेकर जदयू में दिखा उत्साह। शुक्रवार से ही जदयू ने अपने स्वैच्छिक सहयोग राशि संग्रह अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत ही अब तक जदयू के पास करोड़ों रुपए जमा हो गए हैं। जिसको देखने के बाद ही अभियान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। स्वैच्छिक धन संग्रह अभियान से पार्टी की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और 2024 और 25 के चुनाव में पार्टी को इससे काफी मदद मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, इस अभियान के तहत जदयू 2000 की राशि तक नकद ले रही है और उससे ऊपर चेक के माध्यम से राशि ली जा रही है। फिलहाल अभियान बिहार में चलाया जा रहा है। बिहार में इसके सफल संचालन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी अभियान चलाने के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। पार्टी की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी तो बिहार से बाहर भी पार्टी के विस्तार में मदद मिलेगी। विशेष राज्य का दर्जा मिलना संभव नहीं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग लगातार हो रही है। हालांकि जदयू और विपक्ष जहां इस मांग को बार बार उठा रहा है, लेकिन भाजपा ने इससे एक बार फिर से इनकार कर दिया है। जिसके तहत ही बीते दिन बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि कानून के तहत और 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के कारण विशेष राज्य का दर्जा अब संभव नहीं है, क्योंकि देश में विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान ही नहीं रह गया है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा समेत कई राज्य इसकी मांग कर रहे हैं। ललन सिंह ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क करें। एमएलसी चुनाव में वीआईपी को नहीं मिलेगी एक भी सीट। बिहार में इन दिनों एमएलसी चुनाव को लेकर राजनीति गर्म है। भले ही अब तक चुनाव को लेकर आधिकारिक रूप से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच बिहार के राजनीतिक पार्टियों के बीच सीटों को लेकर रस्साकसी का माहौल देखने को मिल रहा है। हाल ही में एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा ने 13 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने की बात कही है, जिसके बाद अब वीआईपी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। लेकिन अब जो खबर निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार सहनी को एमएलसी चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। राज्य के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि विधान परिषद का चुनाव हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे। वीआईपी के साथ मिलकर हम लोग कभी विधान परिषद का चुनाव हमने नहीं लड़ा है। चिराग ने बिहार को बताया महाजंगल राज। बिहार में इन दिनों आपराधिक मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। हाल ही में बाकरगंज में चोरी के मामलों में वृद्धि देखने को मिली है। एसएस ज्वेलरीज में बीते दिनों ही बड़ी चोरी हुई थी, जिसके बाद से ही बिहार में अपराधियों के मनोबल बढ़ने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच बीते दिन जमुई सांसद और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सराफा कारोबारियों से मिलने वो बाकरगंज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एसएस ज्वेलर्स के मालिक से भी मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी ली। दिन दहाड़े हुई लूट की इस बड़ी वारदात पर दुख जताते हुए चिराग पासवान ने आज के हालत को महाजंगल राज बता दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। इंडिया गेट पर नेताजी का होलोग्राम स्टैचू को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया देश को समर्पित। बीते दिन पराक्रम दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के होलोग्राम स्टैचू का अनावरण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने इंडिया गेट पर बनाई जाने वाली नेताजी की प्रतिमा से पहले होलोग्राम को देश को समर्पित कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह प्रतिमा 28 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी है। वही होलोग्राम प्रतिमा की बात करें तो 30,000 लुमेन 4K प्रोजेक्टर द्वारा संचालित इसको किया गया है। 90% पारदर्शी होलोग्राफिक स्क्रीन अदृश्य रूप से लगाई गई है। ये हाई ग्रेन स्क्रीन के फीचर्स हैं और ये आगंतुकों को नजर नहीं आती। होलोग्राम का सटीक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए हाई गेन स्क्रीन पर नेताजी की 3D तस्वीर लगाई गई है। बीपीसीएल को खरीद सकते हैं बिहार के वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल। बिहार के वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल की नजर इन दिनों बीपीसीएल को खरीदने पर है। मिली जानकारी के अनुसार वेदांता ग्रुप सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनी बीपीसीएल पर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदने की तैयारी कर रहा है। ग्रुप में इसको लेकर अलग से $10 अरब का एक पोस्ट भी बना दिया गया है। वेदांता ने बीपीसीएल के लिए जांच परख का काम भी शुरू कर दिया है।
जिसके बाद सरकार जब भी इसकी बोली लगाने की शुरुआत करेगी ग्रुप भी इसमें हिस्सा जरूर लेने वाला है। खबरों की माने तो अग्रवाल ने एक साक्षात्कार में बताया कि हम 10 अरब डॉलर का कोष बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह कोष वेदांता के खुद के संसाधनों और बाहरी निवेश से बनाया जाएगा। इस कोष को लेकर हमें विशेष रूप से सॉवरेन संपदा को सबसे जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारत के कोलकाता शहर में 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई। 1859 में 230 मीटर गहराई तक तेल के लिए खोदे गए कुएं में पहली बार तेल निकला। संविधान सभा ने 1950 में राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना। जनगण मन को 1950 में भारत के राष्ट्रगान का दर्जा मिला। बम्बई में पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 1952 में हुआ। चुनाव में दलितों का आरक्षण 10 वर्ष तक बढ़ाने हेतु संविधान के 79वें संशोधन को 2000 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। भारतीय उपग्रह इनसेट 3C सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में 2002 में स्थापित हुआ। स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का 1924 में जन्म आज के दिन हुआ। हिंदी फिल्मों के एक निर्माता निर्देशक सुभाष घई का 1943 में जन्म आज के दिन हुआ। 24 जनवरी के दिन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। साउथ अफ्रीका ने तीसरी जीत के साथ ही भारत का किया सुपड़ा साफ। साउथ अफ्रीका ने वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला भी भारत को 4 रनों से बीते दिन हरा दिया। केप टाउन वनडे हार कर इस सीरीज में मेजबान टीम ने भारत का क्लीन स्वीप कर दिया। भारत के लिए विराट कोहली ने 65, शिखर धवन ने 61 और दीपक चाहर ने 54 रनों की पारी खेली। साउथ अफ्रीका के लिए लुंगी एनगिनी और एंडिले फेहलुक बायो ने 3-3 विकेट अपने नाम किए। इवन प्रोटोरियस को भी 2 सफलताएं मिली। पहले खेलते हुए साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 287 रन पर ऑल आउट हो गई थी। बीते दिन भारतीय टीम में शामिल किए गए प्रसिद्ध कृष्णन ने 3 विकेट अपने नाम किए। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह और दीपक चाहर ने 2-2 सफलताएं ली। मेजबान टीम के लिए क्विंटन डिकॉक ने 124 और रासी वॉन दर डुसेन ने 52 रनों की पारियां खेली। इंस्टाग्राम पर मिलेंगे जमकर व्यूज। पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम ने हाल ही में रील्स के लिए रिमिक्स शॉपिंग ऑप्शन और नई स्टिकर्स के लिए लिंक जैसे कई नए फीचर्स को पेश किया है। इंस्टाग्राम पर आपको अपना वीडियो लाइव स्ट्रीम करने का भी एक फीचर मिलता है। इतना ही नहीं, लाइव वीडियोस को आप स्केड्यूल भी कर सकते हैं। इस फीचर के जरिए आप 1 घंटे से लेकर 90 दिन पहले तक अपना वीडियो स्केड्यूल कर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन में इंस्टाग्राम ऐप खोले, अब कैमरा खोलने के लिए लेफ्ट स्वाइप करें और फिर लाइव शूट करने के लिए निचले किनारे में राइट स्वाइप करें। अब स्क्रीन में बाईं तरफ कैलेंडर का आइकॉन दिखेगा, इस पर टैप करें। वीडियो टाइटल में इवेंट का शीर्षक डालें, अब स्टार्ट टाइम पर टैप करें और उस दिनांक और समय का चयन करें जिसे आप स्केड्यूल करना चाहते हैं। फिर स्केड्यूल लाइव वीडियो पर टैप करें, इसके बाद आपका लाइव स्केड्यूल हो जाएगा। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 23 जनवरी को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,770 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,320 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 64,900 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.00 रुपए प्रति लीटर थे। अप्रैल से शुरू हो सकती है बीपीएससी की लंबित परीक्षाएं। पिछले दिनों कोरोना की तीसरी लहर के कारण बीपीएससी को अपनी कई परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ गया था। इसमें 67वीं बीपीएससी पीटी और सीडीपीओ पीटी जैसी परीक्षाएं भी शामिल थी, जिसके बाद अब उम्मीद है कि बीपीएससी अपनी सभी लंबित परीक्षाओं को अप्रैल महीने में लेना शुरू कर देगी। जानकारों की माने तो बीपीएससी की तरफ से अप्रैल महीने में परीक्षा लेने का फैसला, इस परीक्षा में 6,02,000 आवेदकों को शामिल होना है। इतनी बड़ी संख्या में आवेदकों को शामिल करने के लिए बीपीएससी को बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्र की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही कोरोना की तीसरी लहर के कारण ही 31वीं न्यायिक सेवा प्रमुख परीक्षा का रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया धीमी पड़ गई है। अब यह इस महीने नहीं निकल पाएगी और अगले महीने के पहले सप्ताह में इसके आने की संभावना है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पंकज कुमार, चंद्र पासवान, प्रेम कुमार, अरविंद कुमार, सुनीता स्टडी, कुश कुमार यादव, लगनदेव कुमार, उमर उजाला, कुमारी दिव्यांशु, मोहित कुमार, सोनू कुमार, संजीव कुमार, कृष्ण यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम की सीरीज हारने का मुख्य कारण क्या है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।